वेलकम टू लॉन्च पाइड एजुकेशन सो द वेरी इंपॉर्टेंट मालाबार एक्सरसाइज हैज़ स्टार्टेड इट हैज किक्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और अमेरिका इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इन सभी देशों की नेवीज कोऑपरेट करती हैं कोऑर्डिनेट करती हैं और इन फ्यूचर अगर कोई कॉमन एनिमी या कोई कॉमन मिशन पर उनको काम करना हो तो कैसे वो काम अच्छे तरीके से होगा ये पर्पस है मालाबार 2021 का हेलो एवरीवन कोविड नाइनटीन पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफर कर रही हैं ऐसे टाइम में इफ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन आई एस और आई पी एस ऑफिसर तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव

सुमालाबार so, एक्सरसाइज़ की शुरुआत एक बायलेट्रल नेवल एक्सरसाइज के तौर पर हुई थी इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी ने इसे स्टार्ट किया था उसके बाद जापान की नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी में ने भी इसे ज्वाइन कर लिया क्यों ये चारों देश ही इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है जो हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द वीडियो उन्नीस सौ बानवे में पहली एडिशन होती है और ये कहाँ होती है द लोकेशन वॉज वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ये होती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा स्टार्टिंग बहुत एक सिंपल एक्सरसाइज से होगी एंड देन द कम्प्लेक्सिटी इन दीज एक्सरसाइजेज इट विल कीप इंक्रीजिंग तो फर्स्ट टाइम जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज किए गए हैं वो एट्थ एडिशन में हुए इंडियन और यूएस नेवी ने दोनों ने अपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज किए 2005 में 2006 में दो एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई है दिस वॉज द फर्स्ट टाइम और ये नाइन्थ एडिशन थी मालाबार एक्सरसाइज की इलेवेंथ एडिशन में तीन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जिनमें से दो यूएस नेवी के थे वन इंडियन नेवी के थे 2007 में ऐसी एक्सरसाइज हुई और बेसिकली uh, यहाँ पे पॉइंट ये है दैट कम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग 2015 हजार पंद्रह द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन रीजन एडिशन में जापान ने पहली बार हिस्सा लिया जापान बिकेम अ पार्ट तो एक कंट्री के लिए बहुत बड़े सिरदर्द की बात थी जापान, इंडिया एंड यूएस नेवी ट्वेंटी सेकेंड एडिशन कंडक्टेड ऑफ वाम तो यूएस कोस्ट के पास मालाबार एक्सरसाइज हुई है 2018 में हुई है मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की जापान विच इज लोकेटेड क्लोज टू कंट्री विच इज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल अबाउट दीज एक्सरसाइजेज देन ऑस्ट्रेलिया ने जब ज्वाइन कर लिया तो ये एक क्वाड ग्रुपिंग की एक्सरसाइज बन गई क्वाड ग्रुपिंग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे अब 2021 की हम बात कर रहे हैं दिस इज द 25th एडिशन द सिल्वर एडिशन 25 साल 25 एडिशन हो चुकी हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी इसे लीड करती है एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस ट्वेंटी फिफ्थ एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है एंड दिस एक्सरसाइज इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम इन दिस कंट्री सो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है एवरी सिंगल फैक्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सो वॉट इज़ एवरी थिंग अबाउट दिस मालाबार एक्सरसाइज ये कोआर्डिनेशनस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशंस क्या है क्वारिलैट्रल सिक्योरिटी डायलॉग इसका ऑफिशियल नेम है तो आज के बाद कभी भी हम किसी भी वीडियो में वी आर डिस्कसिंग कॉड दैट मीन्स क्वारिलैट्रल सिक्योरिटी डायलॉग तो ये कॉड यानी चार देश कौन से हैं इंडिया अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया सो कैन यू गैस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ये चारों देश क्यों एक साथ आ रही है वाई आर दे फॉर्मिंग दिक्योरिटी डायलॉग सिक्योरिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर फिर ये नेवल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वट कैन बी द कॉमन इंटरेस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दीज कंट्रीज एंड एज वी हैव डिस्कस्ड ये पच्चीसवीं एडिशन है आई होप यू आर नॉट गोइंग टू फर्गेट दिस कहाँ पर हो रही है लोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम इन पैसिफिक ओशन नाउ वेयर इज दिस लोकेशन ये गुआम कहां पर है गुआम इट इज एन अमेरिकन आइलैंड टेरिटरी इन माइक्रोनीशिया ये आईलैंड ग्रुप्स हैं सो हेयर इन द पैसेफिक ओशन गुआम इज़ लोकेटेड यू कैन सी ना ये लोकेशन भी आपको ये हिंट देगी कि यहाँ पर ही क्यों इसे कंडक्ट किया जा रहा है एक्सरसाइज को बिकॉज हेयर इट इज़ वेरी क्लोज टू द एशियन मेन लैंड तो ये एशिया के बहुत करीब है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है ये जापान के पास है एंड दिस इज़ अ रीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज़ तो यहाँ पे वी आर टारगेटिंग, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एग्रेशन द एक्सपेंशनिज्म ऑफ वन कंट्री अमेरिका से काफ़ी दूर यहाँ पे ये अमेरिकन आइलैंड है और ये आपको ये भी बताएगा कि क्यों ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं चाहे अमेरिका हो यूके हो फ्रांस हो ये अपने जो आइलैंड्स हैं जो चाहे इंडियन ओशन में हो चाहे पैसिफिक ओशन में हो ये कंट्रीज़ इन आइलैंड्स को छोड़ते नहीं हैं देट कीप कंट्रोल ओवर दिज टेरिटरीज़ बिकॉज ऑफ़ दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे ग्वाम है जहाँ पे हमने देखा यहाँ पे चाइना है सो वी आर ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू चाइना दैट इफ़ यू ट्राई टू बी वेरी अग्रेसिव अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑफ दीज कंट्रीज़ तो हम चारों एक साथ हैं इंडिया यू एस जापान और ऑस्ट्रेलिया इनके इंटरेस्ट को आप अगर इंडिविजुअली थ्रेटन करने की कोशिश करोगे चाहे इकनॉमिकली चाहे इनके टेरेटरीज को कब्जा करने की कोशिश करोगे तो ये चारों कंट्रीज एक साथ आ सकती हैं नाउ दिस एक्सरसाइज जो शुरू हुई थी इंडिया और यूएस के बीच एक बायलेट्रल एक्सरसाइज के रूप में दिस हैज़ बिकम अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द मिलिट्री इंटर ओपरेबिलिटी वट इज़ दिस इंटर ओपरेबिलिटी एक दूसरे के साथ जब काम करना होता है मिलिट्री को तो हर एक मिलिट्री के या नेवी के अपने अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ काम करने में कैसे कॉर्डिनेशन बनाई जाएगी दैट इज़ मिलिट्री इंटर ओपरेबिलिटी एक दूसरे के साथ करने में कैसे आसानी हो सकती है वो इन एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया जाता है हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत उन्होंने इसके बारे में क्या कहा क्वाड्स चार्टर इज़ टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर ऑल नेशंस आई हैव अंडरलाइन दिस बिकॉज ये की बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब जो इंटरनेशनल ओशंस हैं वहाँ पे किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं है कोई कंट्री किसी को वहाँ से आने जाने में नहीं रोक सकती बिकॉज अगर ऐसा हो जाएगा तो चाइना बहुत एक बड़ा देश है या फिर अमेरिका भी अगर वो ऐसे ओशन्स में स्ट्रेट्स को या फिर जहाँ से ट्रेड गुजरता है उन रास्तों को बंद करने लग जाएंगे तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है इकॉनमीज़ का ग्लोबल इकॉनमी का तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए दुनिया में जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको सभी कंट्रीज़ को मानना चाहिए तो ये चाइना जैसी कंट्री जो हैं वो अपना एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं दे डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो टू द इंटरनेशनल रूल्स जो अभी तक सभी देशों की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रिस्पेक्ट किया करते थे इस एक्सरसाइज के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे ये एक मल्टीलैटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है एंड इट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन 1992 इसके बाद दो और एडिशंस हुए 95 और 96 में ये रेगुलर नहीं हो रहा था अब आप एक चीज़ और नोटिस करोगे 1992 में ही क्यों पहली एक्सरसाइज हुई ये बहुत एक बड़ा सवाल है कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और अमेरिका के रिश्ते बहुत बुरे थे एंड अमेरिका वॉज सपोर्टिंग पाकिस्तान इन अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट्स और इंडिया रशिया के करीब चला गया था रशिया जो उस टाइम पे 1991 से पहले यूएसएसआर था वो यूएसए का एक बहुत बड़ा दुश्मन था तो इंडिया और यूएसएसआर करीब आ गए थे अमेरिका पाकिस्तान और बाकी जो अमेरिकन अलाइज थे उनके साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे अब 91 में यूएसएसआर एस हो गया कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो उस टाइम पे रशिया एक बहुत वीक कंट्री बन गया तो इंडिया को भी समझ में आई कि अब उसे अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं एंड देन अमेरिका को भी इंडिया चाहिए था एक डेमोक्रेटिक पीसफुल लॉ अबाइडिंग सेकुलर कंट्री जिसकी वैल्यूज़ अमेरिकन सोसाइटी के साथ मिलती थी और एक एशिया में एक ऐसी उभरती हुई इकोनमी थी जो चाइना को टक्कर दे सकती थी तो इंडिया और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी एंड 92 में उन्होंने इसीलिए इन एक्सरसाइज को स्टार्ट किया लेकिन 95 और 96 के एक्सरसाइज के बाद एक ब्रेक आ गया 2002 तक कोई एक्सरसाइज नहीं हुई व्हाट वाज अ रीज़न रीज़न वाज इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सीक्रेटली सक्सेसफुली बना लिए नाइन्टी में इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन था वो बन गया था एंड यू आर सपोज टू टेल इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन सा टेस्ट था क्या नाम है उस ऑपरेशन का और कौन सी जगह पर वो टेस्ट हुए थे ए पी जे अब्दुल कलाम ने इन ऑपरेशन को लीड किया था सो यू आर सपोज टू गिव द नेम ऑफ द ऑपरेशन एंड दैट प्लेस इन द कमेंट सेक्शन अब 2002 में दोबारा से रिज्यूम करते हैं भारत और अमेरिका इन एक्सरसाइजेस को 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन जाते हैं अब 2007 आते आते चाइना एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी बन चुकी थी चाइना इकॉनमी पावरफुल बनने के साथ साथ एग्रेसिव होती जा रही थी चाइना के जो पिछले लीडर्स थे उनका ये फंडा था दैट चुपचाप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो उनके जो पिछले प्रेजिडेंट्स थे उनका कहना था कि इधर उधर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन साइलेंस वर्क ऑन योर ग्रोथ और अब चाइना ने ग्रोथ पर काम कर लिया है चाइना अपने आप को बहुत ताकतवर मानता है एंड वो है भी इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड द लार्जेस्ट इकॉनॉमी इन एशिया तो अब चाइना अपनी अथॉरिटी एजर्ट करना स्टार्ट कर रहा है ये सारी चीज़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया यूएस इन सबको प्रॉब्लम्स दे रही थी तो अब इन चारों देशों ने एक साथ आना स्टार्ट कर दिया दिस इज ओनली द बिगिनिंग और चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए 2007 में दो एक्सरसाइजेस की गई एक जापान के पास की गई ऑन देर ओकिनावा आइलैंड और यह पहली बार था कि इंडियन शोर्स इंडियन एरिया से बाहर यह एक्सरसाइज एशिया में की गई थी दूसरी एक्सरसाइज की गई विशाखापट्टनम इंडिया के पास एंड इसमें जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी हिस्सा लिया आपको यह भी पता होना चाहिए कि चाइना के डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया या जापान के साथ नहीं है दे आर हैविंग डिस्प्यूट विद ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री इन द साउथ चाइना सी नाउ वेयर इज द साउथ चाइना सी हेयर इज द साउथ चाइना सी आप देखोगे यहाँ पे वियतनाम के साथ यहाँ पे फिलीपींस के साथ यहाँ पे देर इज अ वेरी स्मॉल टाइनी डिक्टेटरशिप। ब्रूनी ब्रूनी के साथ भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं दे आर हैविंग डिस्प्यूट विद दिस कंट्री एज वेल सो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद चाइना यहाँ पर ये यह जो आपको स्प्रैटली आइलैंड दिख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कारण है डिस्प्यूट का पैरासल आइलैंड्स हैं तो ये साउथ चाइना सी जो एरिया है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप क्वेश्चन और यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी मंथ देयर इज समिस्प्यूट तो ये ऑलमोस्ट हर महीना ही ये करेंट अफेयर्स में रहता है यहाँ पर चाइना अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया करता है फिलिपींस के एरिया में घुस जाता है फिर फिलिपींस ऑब्जेक्ट करता है समटाइम्स अमेरिका अपनी कोई ना कोई शिप इस एरिया में भेज देता है जस्ट टू एजर्ट कि ये फ्री एरिया है हम यहाँ से गुजरेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता सो so, इस तरीके के डिप्लोमेटिक मैसेजेज चलते रहते हैं सो दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इंडिया भी इस डिस्प्यूट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जिस तरीके से चाइना साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे कर रहा है मालदीव्स के साथ श्रीलंका के साथ उसी तरीके से इंडिया इन कंट्रीज के साथ अपने रिलेश बहुत अच्छे कर रहा है बिकॉज अगर चाइना साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करेगा तो इंडिया ईस्ट एशियन कंट्रीज में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर देगा सो दैट इज वाई ये एरिया बहुत जरूरी है और जापान बहुत जरूरी है एंड देन जापान इज पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली विद इंडियन एंड अमेरिकन नेवीज इन द मालाबार एक्सरसाइजेस 2020 की एक्सरसाइज बहुत जरूरी थी ये दो फेज में हुई है वन इन विशाखापट्टनम एंड सेकेंड इन द अरेबियन सी और पहली बार इट्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द फोर क्वाड मेंबर्स चार क्वाड मेंबर्स इंडिया जापान यूएस तो हिस्सा लेते ही थे ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया बीच में एक बार पार्टिसिपेट करके गया था वो लेकिन चाइना को बहुत गुस्सा आ गया चाइना ने बड़ी हार्श स्टेटमेंट्स दी कि अगर हमारे खिलाफ़ इस तरीके से गैंगअप करने की कोशिश करोगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा सो वी आर गोइंग टू हार्म यूर इंट्रस्ट एज वेल तो उस समय पर तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेवी को वापस बुला लिया और पार्टिसिपेशन रोक दी कि क्यों ऐसे फजूल में डिस्प्यूट्स बढ़ाने लेकिन अभी कोविड के दौरान जब ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप ने चाइना को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया जिस तरीके से उन्होंने कोविड हैंडल किया था दुनिया को बताया नहीं कि एक वायरस आउटब्रेक हो चुका है उसकी क्रिटिसिज्म के बाद चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया दे स्टार्टेड बॉय ईच अदर्स गुड्स और इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया वापस आ चुका है इंडियन नेवी ने जो शिप सेंड की हैं आईएनएस शिवालिक आईएनएस कदमत पी एट आई लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये इंडिया ने सेंड किए हैं यूएस नेवी हैज सेंट यूएसएस बैरी रेपन हनाक, बिग हॉर्न पेट्रोल एयरक्राफ्ट पी एट ए जापनीज सेल्फ डिफेंस फोर्स ये उनकी आर्मी ही है बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब जब जापान के ऊपर गिरे थे तो उसके बाद जापान को अपनी आर्मी नहीं बनाने दी गई थी बिकॉज जापान वॉज अ वेरी अग्रेसिव कंट्री और वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने में जापान के इस एग्रेशन का बहुत बड़ा हाथ था तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान को अपनी आर्मी नहीं बनाने दी गई थी तो उसकी जो आर्मी है उसका ये नाम रख दिया गया है सेल्फ डिफेंस फोर्स सो अब दे हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर फोर्स अब ये दोबारा से अपनी फोर्स को बना रहे हैं लेकिन अभी तक इनके पास ये सेल्फ डिफेंस फोर्स ही थी जापान की फोर्स से जे एस कागा जे एस मुरासा में जे एस शेरानोज डिस्ट्रॉयर्स आए और एक सबमरीन आई एंड वन पी वन पेट्रोल एयरक्राफ्ट आया तो ये सब इक्विपमेंट्स ने क्वाड दो हज़ार इक्कीस में हिस्सा लिया रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने एच एम एस वारामुंगा इस शिप को भेजा नाउ कमिंग टू द रीज़न सबसे जरूरी फैक्टर दैट बाइंड्स दीज फोर कंट्रीज टुगेदर कौन सी ऐसी ग्लू है जो इन सभी कंट्रीज को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है दैट इज चाइना हुज इज एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म इन द इंडो पैसिफिक इज व्यूड विद ग्रेट कंसर्न बाय द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ये चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं लिबरल सोसाइटीज हैं चाइना इज अ डिक्टेटरशिप सो इनकी वैल्यूज भी मिलती हैं चारों देशों की तो ऐसी सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक साथ आएंगी ताकि जो अभी लिबरल दुनिया का एक इंटरनेशनल ऑर्डर है वो चेंज ना हो जाए अगर चाइना दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन जाता है और अपने जैसे डिक्टेटर देशों को मिला एक नया इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर लिखता है तो वो लिबरल नहीं हो सकता नाउ वेरी ऑब्वियसली दिस हैज बिकम अ एक फॉर चाइना दिस ग्रुपिंग ऑफ फोर पावरफुल नेवीज इन द रीजन हैज चाइना चाइना इसको क्या बुलाता है चाइना इसको बुलाता है एशियन नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक वेस्टर्न कंट्रीज़ की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल्ड वॉर में बनाई गई थी एंड वो हर जगह पर इंटरफेयर कर लेती है अपनी मिलिट्री को भेज देती है इराक़ में और अभी बहुत रिसेंटली हमने देखा कि जो अफगानिस्तान से फोर्सेस वापस गई हैं दे आर यूएस एंड नाटो फोर्सेस अब चाइना इस ग्रुपिंग को एशिया का नाटो बुलाता है सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड लेबल और क्वाड कंट्रीज इसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं क्वाड कंट्रीज़ का कहना है कि हम यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री या सिक्योरिटी की वजह से नहीं है वी आर हेयर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी एज वेल आफ्टर द टू प्लस टू डायलॉग विद द यू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो एंड देन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर ये अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के फॉरन मिनिस्टर थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बातचीत करने के बाद डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह उन्होंने क्या बयान दिया ही सेज इन आर मीटिंग वी रीअफॉर्म्ड आर कमिटमेंट टू पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज इन दिस रीजन तो ये लक्ष्य है इन सभी देशों का दे एग्रीड दैट अप होल्डिंग द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए किसी भी कंट्री की अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी हो जाना चाहिए कोई रूल्स होने चाहिए रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंटरनेशनल सीज एंड अप होल्डिंग द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ ऑल स्टेट्स आर असेंशियल तो ये जरूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्वाड एक साथ आया है आर डिफेंस कॉपरेशन इज इंटेंटेड टू फर्दर दीज ऑब्जेक्टिव इसके अलावा और भी इनिशियटिव क्वाड ने स्टार्ट कर दिए हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया यू एस जापान और ऑस्ट्रेलिया ये सभी मिलकर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे इस रीजन में अब ये भी चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करने का एक तरीका है

वी हैव सीन दिस इन दीडियो एज वेल जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी एंड वी है पी पी टी एज वेल देन हेर इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू अटेम्प्ट गुड आंसर जो आपके यू पी एस सी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बहुत जरूरी रहेगा ये क्वेश्चन है इज इट जस्टिफाइड टू लेबल द क्वाड एज एन एशियन नाटो गिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर योर आंसर सो ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो एंड इफ वी गेट गुड रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कस दिस आंसर तो हम ये आंसर भी जरूर डिस्कस करेंगे एक मॉडल आंसर हम जरूर डिस्कस करेंगे दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो डू नॉट फेट टू सब्सक्राइब और अगर इस वीडियो की अगर आप पीपडी चाहते हो वो आपको टेलीग्राम चैनल लॉन्च फॉर एजुकेशन पर मिल जाएगी दैट वॉज ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू द नेक्स्ट वीडियो